नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी आज विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। वासुदेव देवनानी विधायक होने के साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें, वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही को 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वासुदेव देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव रखा था। देवनानी ने 20 दिसंबर को स्पीकर चुनाव के लिए नामांकन भरा था। बता दें, देवनानी ने 5 नामांकन भरे थे। इससे पहले 2:30 पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी। विधानसभा में 2 विधायकों के अलावा सभी नए विधायकों की शपथ पूरी हो गई है। नदबई से बीजेपी विधायक जगत सिंह और बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को छोड़कर सभी विधायकों ने शपथ ले ली है। इसके साथ ही 6 विधायकों ने शपथ ली है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में विधानसभा के बाहर बीजेपी के जाट विधायकों ने प्रदर्शन भी किया था। विधायकों ने टीएमसी सांसद बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला फूंका और विरोध जताया। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही।